हे ड्यू वस्क्यू एनी गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार ये साल की मेरी पहली वीडियो है एंड आई नो कि अपलोडिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट ट्रस्ट मी आपके सब्र का मीठा फल मिलने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट्सएप की 10 बिल्कुल नई हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिन्हें जानकर आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। क्योंकि ये व्हाट्सएप की वो बेसिक ट्रिक्स नहीं है जो कि आमतौर पर सबको पता होती है, ये ट्रिक्स उनसे काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट एंड इंटरेस्टिंग है। सो माई नेम इज किंकर, यू गाइज आर वॉचिंग टिप टॉप टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट दिस न्यू व्हाट्सएप ट्रिक्स। अब गाइज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 73% स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें स्कूल्स में कभी ना कभी बुली किया गया है। उनमें से भी अगर बात करें तो गर्ल्स के ज़्यादा चांसेस है साइबर बुलिंग के। इंटरनेट पे जो भी आया है उसे कभी ना कभी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर हमारी मदद करता है फेमिसेफ। फेमिसेफ एक रिलायबल पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है जो कि बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाता है। इसमें और भी कई फीचर्स हैं जैसे कि लोकेशन ट्रैकिंग, ऐप ब्लॉकिंग, वेब फिल्टरिंग, स्क्रीन टाइम कंट्रोल और भी बहुत कुछ। फेमिसेफ पे अभी एक स्पेशल गिव अवे चल रहा है जिसमें आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो और लिमिटेड टाइम ऑफर में आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो फेमिसेफ के बारे में ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऑलराइट, तो जो पहली ट्रिक है हमारे पास वो है व्हाट्सएप ट्रैकिंग। अब बहुत सारे लोग अपने बच्चों का या फिर ज्यादातर केसेस में बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप अकाउंट ट्रैक करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी कोई पेरेंट हो जो अपने बच्चे का व्हाट्सएप अकाउंट ट्रैक करना चाहते हो ताकि वो ये पता लगा सके कि उनका बच्चा व्हाट्सएप पे किससे बात करता है, तो इसके लिए मेरे पास एक तगड़ा जुगाड़ है। आपको एक बार बस उस टारगेट डिवाइस यानी कि जिस भी फोन के व्हाट्सएप को आप ट्रैक करना चाहते हो उस फोन के ब्राउजर को ओपन करके उसमें मोबाइल ट्रैकर सर्च कर लेना है और इस वेबसाइट पे फ्री में रजिस्टर करके मोबाइल ट्रैकर की इस स्पाई एप्लीकेशन को आपको उस डिवाइस में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको वन टाइम सेटअप करना है, यानी कि इसे आपको सारी रिक्वायर्ड परमिशंस दे देनी है ताकि ये सही से काम कर पाए। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ये वही ईमेल आईडी और पासवर्ड होने वाला है जो कि आपने रजिस्टर करती बार यूज किया था। दैट्स इट। अब ये ऐप आपके टारगेट डिवाइस में हाइड हो चुका है जिसे सिंपली अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता। एंड नाउ यू कैन इजीली मॉनिटर दिस डिवाइस। तो अब बस आपको आपके फोन के ब्राउजर में जाके फिर से मोबाइल ट्रैकर की वेबसाइट पे जाना है एंड लॉगिन पे क्लिक करके अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। एंड यहाँ से आप अपने टारगेट डिवाइस की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, जैसे कि उस फोन की कॉल हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग, उस फोन के फाइल मैनेजर को भी आप अपने फोन में ओपन कर सकते हो, यहाँ तक कि आप लाइव स्क्रीन तक देख सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंस्टेंट मैसेजेस में जाके उस डिवाइस से किए हुए सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकते हो, यानी जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं आप उन्हें यहाँ से चेक कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप व्हाट्सएप के अलावा बाकी जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, हाइक, जो भी हैं उनके भी मैसेजेस आप यहां से देख सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है व्हाट्सएप डार्क मोड। तो एंड्रॉयड पाई के अपडेट के बाद ही सिस्टम वाइड डार्क मोड मिलना स्टार्ट हो गया है, जिसमें एंड्रॉयड के स्टॉक एप्लीकेशंस के अलावा इंस्टाग्राम जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी आपको डार्क थीम मिल जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप में अभी तक कोई ऐसी सेटिंग या ऑप्शन नहीं आया है जिससे आप इसे डार्क मोड में स्विच कर पाओ। पर मेरे पास एक ट्रिक है व्हाट्सएप के इस एक्सपेरिमेंटल फीचर को इनेबल करने का। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है और अबाउट फोन वाले सेक्शन में जाके बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार टैप करते रहना है। इससे आपके डिवाइस के डेवलपर सेटिंग्स इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और डेवलपर ऑप्शंस में आपको एक सेटिंग मिलेगी ओवरराइड फोर्स डार्क के नाम से। आपको बस इसे यहां से इनेबल कर देना है। बस इतना ही है। अब आपके डिवाइस का जो कंप्लीट यूआई है वो डार्क थीम में चेंज हो जाएगा, जिससे व्हाट्सएप जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी डार्क मोड में स्विच हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज हाउ टू बी अनोनिमस ऑन व्हाट्सएप। यानी अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ प्रैंक करना चाहते हो किसी ऐसे व्हाट्सएप नंबर से जो कि वो ट्रैक ना कर पाए, तो इस व्हाट्सएप ट्रिक में आप किसी भी फॉरेन कंट्री के नंबर जैसे यूएसए या अदर किसी कंट्री के नंबर से अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मान लो आपके पास एक या दो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी हैं और आप तीसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिजनेस या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो उसके लिए आप अदर कंट्री के इस नंबर को परमानेंट यूज में ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब किसी भी फॉरेन कंट्री का नंबर लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है अपने फोन में जिसका नाम है सेकंड लाइन। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप में एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेना है और इसमें आप कोई भी उल्टी सीधी ईमेल आईडी डाल सकते हो क्योंकि ये ऐप ईमेल आईडी को वेरीफाई नहीं करता है। साइन अप कंप्लीट करने के बाद आपको जिस भी कंट्री का नंबर चाहिए उसका एरिया कोड आपको इसमें एंटर करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 250 एंटर किया है जो कि कनाडा का नंबर है। एरिया कोड डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको नंबर की एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। तो अब आपको बस अपना पसंदीदा नंबर सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर लेना है। दैट्स इट। अब आपका नंबर आपको मिल गया है और जहां जहां आपको फोन नंबर की जरूरत पड़ती है वहां आप इस नंबर को यूज कर सकते हो। पर फिलहाल हम इसे व्हाट्सएप में यूज करेंगे क्योंकि हम एक नया व्हाट्सएप
का अकाउंट बनाना है, तो वही बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यानी कि इस नंबर को आपको यहां से कॉपी करके व्हाट्सएप के रजिस्ट्रेशन मेन्यू में पेस्ट कर देना है। एंड यहां से पेस्ट करने के बाद आपको जो कंट्री कोड है उसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो नंबर है ये कैनेडा का है, तो आपको यहां पे एरिया कोड +1 सेलेक्ट करना है और फिर SMS वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट कर लेना है। अब व्हाट्सएप इस नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा जो कि आपको सेकंड लाइन की ऐप में मैसेज बॉक्स में मिल जाएगी। अब आपको ये वेरिफिकेशन कोड मिल गया है तो बस अब आपको ये कोड व्हाट्सएप में वेरीफाई कर लेना है एंड दैट्स इट। अब इतना ही है, आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके प्रैंक कर सकते हो और उसे पता भी नहीं चलेगा। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज हाउ टू डाउनलोड एनी व्हाट्सएप स्टेटस विदाउट यूजिंग एनी ऐप। तो ये वाली ट्रिक काफ़ी काम की है। अब मान लो आपके किसी फ्रेंड ने अपनी व्हाट्सएप स्टोरी में कोई फोटो या वीडियो अपलोड की है और आप उनके उस स्टेटस को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो, तो फोटोज़ तो चलो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करके सेव कर लोगे, पर वीडियोस को सेव करने के लिए आपको किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पर मैं आपको ये बिना ऐप के सेव करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड की उस स्टोरी को एक बार देख लेना है, इससे ये लोड हो जाती है। उसके बाद आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में और फाइल मैनेजर की सेटिंग्स में जाके आपको शो हिडन फाइल्स इस सेटिंग को इनेबल कर देना है। उसके बाद आप जाओ व्हाट्सएप के फोल्डर में एंड यहां से आप जाओ मीडिया वाले फोल्डर में। यहां से आपको एक फोल्डर मिलेगा डॉट स्टेटस के नाम से। इसी फोल्डर में सारे टेम्पररी स्टेटस सेव किए होते हैं व्हाट्सएप के। तो अब आप यहां से अपने व्हाट्सएप के सारे फ्रेंड्स के स्टेटस को देख सकते हो और जो भी स्टोरी आपको डाउनलोड करनी है उसे आप यहां से कॉपी या फिर मूव करके सेव कर सकते हो। स्टेटस से याद आया गाइज, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड की स्टोरी देखनी है उसे बिना बताए, यानी अगर आप चाहो कि आप अगले पर्सन की स्टोरी देख लो पर उसे सीन ना हो कि आपने स्टोरी देखी है, तो इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके रीड रिसिप्ट के इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। ये करने के बाद अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड की स्टोरी को देखोगे तो उसको पता नहीं चलने वाला कि आपने उसकी स्टोरी देखी है या नहीं, यानी अगर वो अपने स्टोरी के व्यूज में जाके चेक करेगा तो वहां पे आपका कॉन्टैक्ट शो नहीं करेगा। दिस ट्रिक इज रिलेटेड टू व्हाट्सएप प्राइवेसी। तो कॉमनली हम अपने व्हाट्सएप को सिक्योर रखने के लिए ऐप लॉकर यूज करते हैं या फिर न्यू अपडेट के बाद आने वाला व्हाट्सएप का इनबिल्ट फिंगरप्रिंट प्राइवेसी लॉक यूज करते हैं। पर होता क्या है कि जब भी हम ऐप लॉकर यूज करते हैं तो सिर्फ अपने प्राइमरी ऐप्स को लॉक करते हैं, जैसे गैलरी, फाइल मैनेजर वगैरह, पर 90% ऑफ द टाइम लोग अपने क्रोम ब्राउजर को लॉक नहीं करते हैं। और आप सोचते होंगे कि क्रोम ब्राउजर से क्या हो जाएगा, मैंने अपना गैलरी और फाइल मैनेजर तो लॉक किया हुआ है। तो अगर आप किसी भी फोन का क्रोम ब्राउजर खोल के उसके सर्च टैब में जाके फाइल /SD card टाइप करोगे और अगर आप सर्च पर क्लिक कर दोगे तो बूम, यहां से इस डिवाइस का कंप्लीट फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके सारा मीडिया डेटा, इवन कि जो व्हाट्सएप का डेटाबेस वाला डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हो। अब हालांकि ये डेटाबेस फाइल्स इनक्रिप्टेड होती हैं, जिसे डिक्रिप्ट करना उतना आसान नहीं है, पर देर आर वेज टू गेट इनटू योर डेटा फाइल्स एंड रीड योर प्राइवेट चैट्स एंड ऑल। और व्हाट्सएप की मीडिया फाइल्स यानी कि जो आपके फोटोज़ एंड वीडियोस आपने भेजे हैं या फिर रिसीव किए हैं वो आप इजीली यहां पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप व्हाट्सएप को सिक्योर रखने के बारे में सोचो तो क्रोम ब्राउजर को भी लॉक कर लेना। सो गाइज, अभी आगे ऐसी ही 5 और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बची हैं, पर वो बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और यार, जो इस चैनल पे नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी ही कमाल की वीडियोज़ आने वाली है। एंड फाइनली इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो, मैं हमेशा वहाँ पर अवेलेबल होता हूँ, तो आपके DMs का भी मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज व्हाट्सएप लॉग। अब अगर आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसने अपने लास्ट सीन को नोबडी पे सिलेक्ट किया हुआ है, यानी वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा और आपको उनका लास्ट सीन भी शो नहीं हो रहा, वैसे अगर मेरी मानो ना तो कोई बड़ी से बड़ी गलतफहमी पाल लो पर ये लास्ट सीन देखने वाली आदत मत पालो। बट एनीवेज, अगर आपका सर्वनाश ऑलरेडी हो चुका है तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है व्हाट्स लॉग। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन ट्रायल पीरियड के साथ मिलता है, पर डोंट वरी, इसकी जो प्रीमियम लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस ऐप को ओपन करके आपको बस वो व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है जिसे आप ट्रैक करना चाहते हो। बस उसके बाद जब भी वो व्हाट्सएप नंबर ऑनलाइन होगा तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये पर्सन अब ऑनलाइन आ चुका है। इवन अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी किया हुआ है फिर भी आप उनका ऑनलाइन स्टेटस इस ऐप में देख सकते हो, और जैसे ही वो व्हाट्सएप नंबर बंद करेगा तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अब ये नंबर जो है वो ऑफलाइन हो चुका है। और ये ऐप उनका लॉग डेटा भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर का टोटल ऑनलाइन ड्यूरेशन, यानी कि कब कब वो नंबर ऑनलाइन आया और कितनी देर उसने व्हाट्सएप यूज़ किया, वो सब आप इस ऐप में देख सकते हो। अब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जिस भी पर्सन से हम चैट कर रहे होते हैं उसने अपना रीड रिसिप्ट डिसेबल किया हुआ होता है,
जिससे अगर वो आपके भेजे हुए मैसेजेस पढ़ भी ले तो आपको ब्लू टिक नहीं दिखता, यानी आप एग्जैक्टली ये पता नहीं लगा पाते कि उसने आपका मैसेज पढ़ा है या फिर नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग पढ़ के भी इग्नोर कर देते हैं। तो आप क्या करो कि जो भी मैसेज आपने टाइप करके भेजा है उस मैसेज के बाद आप एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो, छोटा सा एक वॉइस नोट भेज दो जिसमें आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप आसपास का जो एम्बिएंट नॉइस है उसको रिकॉर्ड करके भेज दो, और जैसे ही वो अगला पर्सन एक्साइटमेंट में उस वॉइस नोट को सुनेगा तो आपको अपने वॉइस नोट पे ब्लू टिक शो हो जाएगा, यानी कि आप ये कंफर्म कर सकते हो कि उसने आपका वॉइस नोट सुना है। तो ऑब्वियसली इससे पहले आपने जो भी टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं उसने वो भी पढ़े हैं, पर फिर भी आपको कोई तवज्जो नहीं दी गई। वैसे वॉइस नोट से रिलेटेड एक और छोटी सी ट्रिक मैं आपको दिखाता हूं। अब व्हाट्सएप पे जब भी आप कोई वॉइस नोट भेजते हो तो आप भेजने से पहले उसे सुन नहीं सकते, पर अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करके उसे लॉक कर दो और जो भी आपको रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करके उस चैट बॉक्स से अगर आप बैक कर लो तो जैसे ही दोबारा आप उस चैट बॉक्स में जाओगे तो आपको उस रिकॉर्डिंग को प्ले करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो और भेजने से पहले एक बार इसका प्रीव्यू भी ले सकते हो। तो WhatsApp में आपको एक फीचर मिलता है जिसमें आप अपनी चैट बॉक्स में 30 मिनट्स के अंदर भेजे मैसेजेस को अनसेंड कर सकते हो, यानी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो, जिससे अगले पर्सन के WhatsApp से जिससे आप चैट कर रहे होते हो उसके चैट से भी आपका मैसेज डिलीट हो जाता है। पर 30 मिनट्स के बाद अगर आपको कोई मैसेज डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं मिलता है। और सपोज आपको कोई पुराना मैसेज अनसेंड करना है, यानी कि उसे डिलीट फॉर एवरीवन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप उस मैसेज का डेट एंड टाइम नोट कर लो जब भी आपने वो मैसेज भेजा हो, और उसके बाद आपको अपने फोन का जो डेटा कनेक्शन है उसे ऑफ कर देना है। फिर ऐप सेटिंग्स में जाके आपको व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप कर देना है, और फिर डेट एंड टाइम सेटिंग्स में जाके आपको वही डेट सेट करनी है जिस डेट को आपने वो मैसेज भेजा था, और टाइम यहाँ पे आपको 5 मिनट आगे एडजस्ट कर लेना है, यानी जो आपके मैसेज भेजने का टाइम है उससे 5 या फिर 10 मिनट आगे आपको टाइम सेट कर देना है। अब अगर आप WhatsApp में जाके चैट खोलोगे और उस मैसेज पे टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से आप अपनी बरसों पुराने भेजे हुए मैसेजेस को भी वापस अनसेंड कर सकते हो। अनसेंड मैसेज से रिलेटेड ही एक और ट्रिक है कि मानो आप किसी से चैट कर रहे हो और बातों ही बातों में वो कोई मैसेज भेज के आपके देखने से पहले उसे अनसेंड कर देता है, तो ऐसे में 2 चीज़ें होना नॉर्मल है, एक गुस्सा और दूसरा क्यूरियस कि उसने ऐसा क्या भेजा था कि उसको वापस डिलीट करना पड़ गया। तो अगर आप भी इन डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है WAMR। इस ऐप से आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन जैसे कि WhatsApp, Instagram, Facebook सबके नोटिफिकेशंस एंड मीडिया फाइल्स को सेव कर सकते हो, यानी अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड होगा और अगर आपको कोई मैसेज करके वापस उसे डिलीट कर देगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप में वो सारी चैट सेव हो जाएंगी जिसमें आप वो डिलीटेड मैसेजेस वापस पढ़ सकते हो। और सिर्फ मैसेज ही नहीं, इसमें मीडिया फाइल्स भी सेव हो जाती है, यानी कि अगर आपको किसी ने कोई फोटो भेजी है और फोटो भेजने के बाद अगर वो उसे डिलीट कर देता है तो फिर भी इस ऐप में वो फोटो सेव हो जाएगी, वो मीडिया फाइल्स सेव हो जाएंगे जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज आप किसी ग्रुप के मेंबर हो और आपके ग्रुप में डेली मतलब मीडिया फाइल्स शेयर होती रहती हैं, आपको हर रोज़ नए फोटोज़ एंड वीडियोस शेयर होते रहते हैं, एंड आप नहीं चाहते कि ये जो व्हाट्सएप के मीडिया फाइल्स हैं ये आपके गैलरी में शो हो, तो ये कहने के लिए आपको सिंपली जो ग्रुप या फिर कॉन्टैक्ट है उस पर टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी का, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है ये यस पे सेट किया होगा, तो इसको आपको यस से नो पे सिलेक्ट कर देना है। एंड ये करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस ग्रुप या फिर इस कॉन्टैक्ट से कोई भी अगर आपको फोटो या वीडियो फाइल आएगी तो वो आपके गैलरी में शो नहीं होगी। और इन फाइल्स को अगर आप अपने फाइल मैनेजर में एक्सेस करना चाहो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप के फोल्डर में जाना है, यहाँ से आपको मीडिया का फोल्डर ओपन करना है, एंड यहाँ पे जो भी इमेज एंड वीडियो फोल्डर्स हैं इसके अंदर आपको एक प्राइवेट फोल्डर मिल जाएगा, तो ये जितने भी प्राइवेट फोल्डर्स हैं इनमें आपके जो मीडिया फाइल्स होंगे जिन्हें आपने यू नो विजिबिलिटी डिसेबल की हुई है व्हाट्सएप पे, तो वो मीडिया फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज व्हाट्सएप बबल एनिमेशन। तो बेसिकली अगर गाइज आप मैसेंजर जैसा एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपको पता होगा इसमें आपको एक फ्लोटिंग बबल टाइप का यू नो एक आइकन देखने को मिलता है, तो आप कोई भी चैट बॉक्स जिससे आप चैट कर रहे हो उसका आपको एक बबल आइकन मिलता है जिस पर आप क्लिक करके यू नो फ्लोटिंग विंडो में चैटिंग कर सकते हो। तो सेम चीज़ आप व्हाट्सएप के लिए भी इनेबल कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप बबल नाम का ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना होगा, एंड इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, उस सेटिंग्स को कस्टमाइज करके आप अपने इंटरफेस को लाइक अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली क्या फीचर्स हैं कि सबसे पहली बात कि अगर आप
आप फ्लोटिंग विंडो मोड यूज़ करना चाहते हो व्हाट्सएप का, तो इस एप्लीकेशन से वो इनेबल हो जाता है। तो आपकी चैटिंग में आपको लाइक कन्वीनियंस मिलेगा, अगर आप कोई दूसरी ऐप में हो सपोज़, और अगर आपको कोई यू नो मैसेज आ जाता है तो आप डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो में उसका यू नो रिप्लाई वगैरह कर सकते हो, चैटिंग वगैरह कर सकते हो। सेकेंडली सपोज आप किसी के साथ चैट कर रहे हो एंड आपको किसी और को नहीं बताना कि आप व्हाट्सएप ऑनलाइन हो, ठीक है, तो आप अगर व्हाट्सएप बबल ऐप को यूज़ करोगे तो आपकी जो स्टेटस है, जो आप ऑनलाइन हो या फिर लाइक आप ऑफलाइन हो, तो ये आपको शो नहीं करेगा, किसी थर्ड पर्सन को शो नहीं करेगा कि आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो या नहीं ऑनलाइन, क्योंकि आप व्हाट्सएप एक्चुअली में आप व्हाट्सएप का जो मेन एप्लीकेशन है उसे आप ओपन ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई ऑनलाइन मतलब आपका ऑनलाइन स्टेटस कोई चेक भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप प्राइवेटली किसी एक पर्सन से बात करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि यू नो आप ऑनलाइन जाओ और आपके दोस्त आपको मैसेज करे, तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे से आप लाइक यू नो चिट चैट कर सकते हो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये व्हाट्सएप ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर ये व्हाट्सएप ट्रिक्स पसंद आई है ना गाइस, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो यार, और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, मैं कहते कहते थक गया हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी मोटी अपडेट्स देना स्टार्ट कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम की, जाओ जाके फॉलो करो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। शैतान जगाऊं ये भगवान चाहे, मोहब्बत से रह ले तेरा क्या जाए, प्यार कमा के हम बने महाराजाए, अब कहीं चाटों की नौबत ना आ जाए, चंड तेरी जिंदगी कमेंट करे, मुझे पे घमंड नहीं, मुझे मैं ये प्रजा करे सजदे, रह थोड़ा बच के तू कर्मों से डर, मेरे हाथ मेरे लाल मेहंदी से ज्यादा रचते, आस पास बम फटे, जब बीच पे हम फटे, तुझे बातों से मिले ना मेरी कम फटे, निकल पहली।